तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are living in different cities, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, जयपुर एंड भुवनेश्वर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, 8 लोग हैं, 8 अलग अलग शहर में रह रहे हैं। ईच हैज़ द डिफरेंट वेट, तो सबका अलग अलग वेट भी है, तो इन्होंने यहाँ पे ये वेट भी दे रखा है इनका अलग अलग। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ए हैज़ ए वेट विच इज़ मल्टीपल ऑफ 11 एंड 5। तो चलिए ए का हमें ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ए बी सी ये सभी मेंबर्स के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये एच हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इनका वेट लिखते रहेंगे। ठीक है, वेट लिख लेंगे सबका और फिर उनका सिटी है जो भी। तो जैसे कि इन्होंने ए के बारे में बोला कि जो ए है, ए हैज़ ए वेट विच ए मल्टीपल ऑफ 11 एंड 5। अगर आप यहाँ पे जो आपको 8 के 8 वेट दिए गए हैं उनमें से अगर आप वेट को देखोगे कि जो वेट 11 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई है तो कौन सा है वो इनमें, तो वो आ जाता है हमारा 55। 55 11 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी। तो ए का वेट कितना होगा यहाँ पे, 55। ठीक है, और साथ ही इन्होंने क्या बोला कि वो कहाँ पे रह रहा है, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे भुवनेश्वर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ए का, क्लियर हो गया ए का सब कुछ, इन्होंने फर्स्ट लाइन में दे दिया तो यहीं से हमारा ये क्लियर हो जाता है। अभी बात करते हैं हम बी की, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। डी लाइव्स इन बेंगलोर, जो डी है वो बेंगलोर में रहता है, तो डी कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये स्पेस वेट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे पहले तो हम इसका बेंगलोर लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्पेस हमने छोड़ दी। इन्होंने बोला डी लाइव्स इन बेंगलोर बट हिज वेट इज़ नॉट 89, 71। तो इसका जो वेट है वो ना तो 89 है और ना ही 71 है, तो ये वेट नहीं है इसका, तो मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ 89 और 71। तो यहाँ पे मैं ये क्रॉस लगा देता हूँ ऊपर इनके, कि ये वेट नहीं है इनका। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। द वन वो लाइव्स इन हैदराबाद हैज़ ए वेट ऑफ 56। जो हैदराबाद में रह रहा है उसका वेट कितना है, 56 है। तो हैदराबाद तो अभी हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं ये। ठीक है, 56 किसका है, हैदराबाद का। जैसे जैसे एक एक लाइन हम पढ़ते रहेंगे वो हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, 56 अभी कौन है मेंबर, तो यहाँ पे तो नहीं बैठा सकते, हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, जी हैज़ ए वेट ऑफ 49 kg। तो जी का जो वेट है वो कितना है, 49 kg। तो जी यहाँ पे आ जाएगा 49 kg। एंड डज नॉट लाइव इन मुंबई और चेन्नई, मुंबई और चेन्नई में नहीं रह रहा ये, तो मैं यहाँ पे ये शॉर्ट्स में लिख लेता हूँ थोड़ा सा इसको, मुंबई और चेन्नई यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, जो जी है वो मुंबई और चेन्नई में नहीं रह रहा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ई हैज़ ए वेट ऑफ 71 kg, जो ई है उसका 71 kg वेट है, तो यहाँ पे 71 लिख लेते हैं। ई हैज़ ए 71 kg एंड लाइव्स इन अहमदाबाद और एर्नाकुलम, या तो ये अहमदाबाद में रह रहा है या एर्नाकुलम में, तो दोनों लिखना पड़ेगा। और एर्नाकुलम, ठीक है, ये या तो एर्नाकुलम में रह रहा है या अहमदाबाद में। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कौन, ई, उसका वेट कितना है, 71 है, तो दोनों में से एक जो सही होगा उसको टिक कर लेंगे, दूसरे को कट कर देंगे मैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफ लाइव्स इन चेन्नई। ठीक है, जो एफ है वो लाइव्स इन चेन्नई, देख लेते हैं, एफ इधर है, चेन्नई यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है,
एफ चेन्नई में रह रहे हैं, लिख लिया। एफ लाइज इन चेन्नई, बट हिज वेट इज़ नॉट 92 kg, इसका वेट है वो 92 kg नहीं है, तो 92 यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। जो एफ का वेट है वो 92 नहीं है। एफ लाइव इन चेन्नई बट हिज वेट इज़ नॉट 92, सी लाइव इन मुंबई, जो सी है वो मुंबई में रह रहा है, ठीक है दोस्तों। सिंपली चल रहा है अभी तक, तो जैसे जैसे बता रहे हैं हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सी लाइव इन मुंबई, द सम ऑफ द वेट ऑफ एच एंड सी इज 181। अब देखिए यहाँ पे एच और सी का जो वेट है वो कितना है, 181, ठीक है। तो अगर जो इन्होंने वेट दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे जो 181 अगर वेट है, अगर मैं इसको दो से डिवाइड कर लूँ तो ये 90 के आसपास आता है, क्योंकि दो लोगों का वेट है। अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो 90 के आसपास आता है। तो जो भी इन्होंने यहाँ पे 89, 50, 55, 71 जो सब वेट दिए हुए हैं, अगर इनमें से मैं देखूँ कि 90 के पास कौन से दो वेट आते हैं, वो 89 और 92 वेट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 89 और 92 को प्लस करता हूँ तो ये यहाँ पे 181 हो जाते हैं। तो एच और सी का मतलब या तो सी का 89 होगा या कितना होगा, 92 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, या तो जो 89 होगा या फिर कितना होगा, 92, कौन सी और एच, एच का भी लिख लेते हैं यहाँ पे 89 या फिर 92, इनमें से एक होगा, ठीक है, ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, नीदर जी नोर एच लाइव्स इन एर्नाकुलम, जी भी एर्नाकुलम में नहीं रह रहा है और एच भी नहीं रह रहा, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे जी की बात करें तो जी ऑलरेडी मुंबई और चेन्नई में नहीं रह रहा, हमने पहले लिखा था, ठीक है। और यहीं पे हम यहाँ पे एर्नाकुलम भी लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। जो जी है वो एर्नाकुलम में भी नहीं रह रहा है, चेन्नई में भी, मुंबई में भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं अभी, जी और एच दोनों की बात की है इन्होंने, तो अभी हम फिलहाल ओनली जी का लिख लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है जी डज नॉट लाइव इन जयपुर, ओ तो जी के बारे में इन्होंने फिर से एक चीज़ और बता दी कि वो कहाँ पे नहीं रह रहा, जी डज नॉट लाइव इन जयपुर, जयपुर में भी नहीं रह रहा जी। तो जयपुर में यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। ये सब के सब ये किसके हैं, जी के हैं ये चारों, मुंबई, चेन्नई, एर्नाकुलम और जयपुर, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे, ये चार तो इधर निकाल दिए इन्होंने, बाकी कुछ इधर हैं, तो जी के लिए कौन सा बचा, अगर हमें देखना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे वन बाय वन सभी सिटी का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन है, चेन्नई है, जो क्वेश्चन में इन्होंने दिया, चेन्नई इधर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बेंगलोर दिया, बेंगलोर हमारा यहाँ पे आ गया। हम बेसिकली यहाँ पे जी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि जी के लिए कौन सा बचा, ये चार तो इन्होंने बता दिए कि इन चारों में नहीं रह रहा जी, तो जो बचेगा उसमें रहेगा वो हम जस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद के लिए इन्होंने क्या बोला था कि उसका जो वेट है वो कितना है, 56 है, तो हैदराबाद यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये चार तो हो गए प्लस ये हैदराबाद भी हो गए, क्योंकि हैदराबाद का वेट 56 है और ये 49 है जी का वेट, तो ठीक है हैदराबाद भी यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद आता है मुंबई, मुंबई तो इधर आ गया ऑलरेडी। उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद इधर है, अहमदाबाद इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो अहमदाबाद आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, एर्नाकुलम और अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद आ सकता है, अहमदाबाद को भी होल्ड में रखते हैं, उसके आगे वाले पढ़ते हैं। उसके बाद है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम के लिए तो मना कर दिया इन्होंने पहले। उसके बाद जयपुर, जयपुर के लिए भी मना कर दिया। उसके बाद भुवनेश्वर, जो लास्ट है भुवनेश्वर हमारा इधर आ गया। तो कौन सा बचा दोस्तों, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा फिर, एर्नाकुलम आएगा, ठीक है। तो अहमदाबाद आ गया हमारा यहाँ पे, जी पे आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, द सम ऑफ द वेट ऑफ डी एंड एच इज 142, डी और एच का 142 है। तो एच का वेट 89 या 92, इनमें से एक होगा, ठीक है। डी और एच, ठीक है, डी का वेट हमें नहीं पता, डी का वेट मतलब 89 और 71 तो है नहीं,
हमने ये क्रॉस किया हुआ पहली, इन्होंने पहली बताया था हमें जो लाइन है क्वेश्चन में, डी लाइव्स इन बेंगलोर बट हिज वेट इज नॉट 89 और 71, ठीक है। तो डी और एच का वेट जो लास्ट लाइन है कितना, 142 है, ठीक है। तो 89 तो है ही नहीं, तो कौन सा बचा फिर, 92 बचा, ठीक है। जो डी और एच का हमें लेना है तो 89 तो हम, चलिए 89 भी लेके देख सकते हैं, जैसे कि 142 है, 142 टोटल वेट है, ठीक है। डी और एच का, अगर मैं एच का 89 लेता हूँ, इसमें से माइनस करता हूँ 89, तो कितना बचा यहाँ पे, 142 में से 89 माइनस करोगे तो ये आ जाता है 53। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो मेरे पास इन्होंने वेट्स दिए हुए 8 लोगों के, उसमें से 53 किसी का भी नहीं है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। और दूसरा 142 माइनस ये वाला 92 करते हैं अभी, तो ये आ जाता है यहाँ पे माइनस होके 50, ठीक है। तो मतलब ये डी और एच, डी और एच का 142 है, तो डी एच का क्या होगा फिर दोस्तों, 92 होगा, क्योंकि 89 में तो सही नहीं बैठा, 53 आ गया इधर, और 92 में सही आ गया यहाँ पे 50 आ गया, 50 हमारे पास वेट है ऑलरेडी डी और एच का, ठीक है। तो एच का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 92 आ जाएगा, और डी का कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 प्लस 92 कितना आ जाएगा, 142, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में बोला है, हमें बताया है, ठीक है। और अगर H का यहाँ पे 92 आ जाएगा, 89 92, इधर भी था 89 92, 92 इधर आ गया, तो इधर क्या बचा फिर, 89 बचा ओनली, तो C का 89 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें कौन सा बचा है, एक ये बचा है यहाँ पे, और इधर बचा है। और अगर हम यहाँ पे सिटी देखें कि जो 56 है वो हैदराबाद का है, ठीक है। यहाँ पे एच का ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे वेट नहीं दिया हुआ, लेकिन सिटी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। हमें बेसिकली 56 है हैदराबाद का, इसको इसमें बिठाना है, तो कहाँ पे बिठा सकते हैं हम, यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पे वेट ऑलरेडी दिया हुआ है, हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ, वेट नहीं दिया हुआ, तो कौन सा एक जगह बसता है यहाँ पे, वेट और नाम दोनों ने दिए हुए, वो ये जगह बसती है। तो यहाँ पे हम बिठा देंगे किसको, 56 और हैदराबाद को, ठीक है। ये हो गया क्लियर, तो 1 2 3 ये सब क्लियर हो गया। यहाँ पे एर्नाकुलम आ गया, ये हमने कट कर दिया था अहमदाबाद, यहाँ पे चेन्नई आ गया, यहाँ पे ये आ गया, और ये हैदराबाद वाला भी सॉर्ट आउट हो गया। तो एक कौन सी सिटी बसती है यहाँ पे, कौन सा बचा दोस्तों, जयपुर। राइटिंग थोड़ा मेरा ऐसे ही है, आप समझ लीजिए इसको, ये जयपुर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये सभी हमारे यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गए, एक वेट बचा है, सॉरी यहाँ पे कौन सा वेट बचा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे ओनली 66 बचा है, जो हमारे पास सभी सभी वेट्स हैं उनके हिसाब से देखो तो 66 बचा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ, फर्दर ए कोड इज असाइन टू ईच पर्सन डिपेंडिंग ऑन द सिटी इन विच दे लाइव्स एंड देयर वेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। अभी इनको कोड असाइन किए गए हैं, तो हम यहाँ पे इस साइड में इनके कोड लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस में चलेंगे, ठीक है। तो कोड क्या है इनका, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ़ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विद बोबल, जो सिटी का नाम है वो बोबल के साथ अगर स्टार्ट हो रहा है, तो किसका हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एर्नाकुलम, एक तो ये पड़ा बोबल वाला, और दूसरा ये अहमदाबाद, बाकी सब जयपुर, ये सब नहीं है, ठीक है। तो दो नाम है जो बोबल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए ये क्या बोल रहे हैं, एंड इफ़ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विद द बोबल एंड द वेट इज़ ए प्राइम नंबर, अभी प्राइम नंबर देख सकते हो, प्राइम नंबर आप समझते हो, प्राइम नंबर वो रहता है जिस जो किसी के साथ डिवाइड ना हो सके, वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। तो अगर मैं एर्नाकुलम का देखूँ तो 71 डिवाइड कर सकते हो आप किसी के साथ, 1 2 3 4 5 या 7 8 9 किसी के साथ 71 को डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो 71 क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। तो प्राइम नंबर है जो फर्स्ट इन्होंने दिया यहाँ पे कोड पता करने के लिए, इफ़ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विद बोबल, बोबल के साथ स्टार्ट है, एंड द वेट इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, देन द कोड विल बी द फिफ्थ सक्सीडिंग लेटर ऑफ द पर्सन नेम एज पर इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, तो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से उसका पाँचवें नंबर का जो अल्फाबेट है वो उसका कोड रहेगा। तो ई ई है, ई के बाद क्या आता है, एफ़,
ई एफ जी एच आई जे। तो फिफ्थ नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है यहाँ पे, जे। तो इसका कोड क्या हो गया, ई का जे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, इफ़ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विद बोबल, ठीक है। बोबल के साथ दो ही स्टार्ट हो रहे थे, एक तो ये होगा, इसका तो हमने कोड पता कर लिया, दूसरा बोबल वाला ये बचा है, अहमदाबाद वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं अभी, इफ़ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विद द बोबल एंड द वेट इज ए कंपोजिट नंबर, तो देख सकते हो ये 49 है, कंपोजिट नंबर है, ये डिवाइड हो जाता है, सात से डिवाइड हो जाए, सातों सात ही 49 होता है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। तो इसके लिए कोड के बारे में ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ द वेट इज ए कंपोजिट नंबर दैन द कोड विल बी द थर्ड प्रोसीडिंग लेटर ऑफ द पर्सन नेम एज पर इंग्लिश अल्फाबेट। तो तीसरा नंबर रहेगा, जी के बाद तीसरा नंबर कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर आता है जी के बाद, जी एच आई और जे। थर्ड नंबर पे कौन आ गया, जे। तो यहाँ पे इसका कोड भी जे हो जाएगा, तो इसका भी जे आ गया, इसका भी जे आ गया, दोनों का कोड सेम हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बोबल्स का। अभी इफ थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, इफ़ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ तो बाकी सब कॉन्सोनेंट वाले बचे, ठीक है, बोबल वाले हमने निकाल लिए। तो स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट एंड द वेट ऑफ द, वेट इज ए प्राइम नंबर, और वेट अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन से दोस्तों। ये 55 प्राइम नंबर है, ये 55 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाता है, ये भी नहीं है। 89 है प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 89 प्राइम नंबर है, 89 को आप डिवाइड करोगे इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 89 प्राइम नंबर, एक तो ये 50 भी नहीं है, 66 भी नहीं, 92 भी नहीं है, 56 ये भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहीं तक है हमारा, ये यहीं तक है, ये तो हमने नीचे वो किया था, ठीक है। तो ये सिर्फ एक है जो 89 है, वो प्राइम नंबर है, तो थर्ड जो कंडीशन है वो इस ओनली इसके लिए, बाकी जो फोर्थ कंडीशन है वो बाकी सबके लिए हो जाएगी। तो थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ़ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है मुंबई है नाम, एंड द वेट इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 89, देन द कोड विल बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द पर्सन वेट। तो जो कोड होएगा वो सम हो जाएगा इसके वेट का, तो कौन कौन से डिजिट है जहाँ पे 8 है और 9 है, 8 और 9 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 17। तो इसका कोड कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। बाकी सब पे फोर्थ कंडीशन लगी, फोर्थ कंडीशन के इफ़ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट एंड द वेट इज ए कंपोजिट नंबर देन द कोड विल बी द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द पर्सन वेट। तो पर्सन वेट का जो आपस में डिफरेंस है वो कोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 है, इधर भी 5 है, 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 0 हुआ। इधर 5 है, इधर 6 है, 5 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 5 हो गया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो डिफरेंस कितना, 0 हो गया। और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना वाला पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, इसके नीचे जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ द कोड ऑफ सी एच एंड वेट ऑफ डी। तो सी देख सकते हो यहाँ पे, सी एच 17 और 7 कितना हो गया, 24 हो गया, और डी, ठीक है, डी कितना, 50, 50 में 24 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 74। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 74, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर द वन हु लाइव्स इन एर्नाकुलम, एर्नाकुलम में कौन है, ये रह रहा है एर्नाकुलम में, तो इसका कोड क्या हुआ, जे। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लाइव्स इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में कौन रह रहा है, अहमदाबाद इधर है, तो इसमें कौन रह रहा है, जी रह रहा है, ये कोड है, ये आप आंसर मत सोचना, ये है जी, नाम ये है उनके, तो इसका आंसर जी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड ऑफ एच, एच का कोड क्या है, तो एच इधर है, कोड क्या हो गया उसका, 7 हो गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनस लाइव हैव द सेम कोड, सेम कोड कितने लोगों के पास है, देख सकते हो 00 इधर एक सेम हो गया, ठीक है, और जे और जे ये भी सेम हो गया, तो दो लोग ऐसे हैं जिनके पास सेम कोड है, ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।